नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पौड़ी शहर के एजेंसी चौक पर बीते 3 दिनों से उत्तराखंड परिवहन बस सेवा खराब होने से उसकी सुध न लेने के विरोध में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने बताया कि पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने पौड़ी आकर लोगों को आश्वासन दिया था कि परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पौड़ी में संचालित हो रही परिवहन सेवा 3 दिनों से खराब पड़ी है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री चंदन राम दास का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द ही समाधान नहीं होने पर युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। आप लोगों द्वारा विरोध भी किया गया सरकार का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीते 3 दिनों से यहाँ पर सरकारी रोडवेज जो आम आदमी की सवारी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एसी गाड़ियों में और हीटरों में बैठने वाले जो हमारे मंत्री हैं उनकी जो आम आदमी की सवारी हो बीते 3 दिनों से यहाँ ख़राब है, वो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। और वहाँ पे जो सामने उनकी जिन व्यापारियों की दुकानें हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर आकर देखने को तैयार नहीं है, उसको हटाने को तैयार नहीं है। तो ये आम आदमी के साथ जो अन्याय ये भाजपा की सरकार कर रही है, आज इसके विरोध में हमारे द्वारा जो परिवहन मंत्री चंदन राम दास है उनका पुतला दहन किया गया है। अगर शीघ्र ही इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज युवा कांग्रेस पौड़ी द्वारा यहाँ पर चंदन राम दास जी जो कि परिवहन मंत्री हैं उनका पुतला दहन यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर रोडवेज की बस 3 दिन से ख़राब है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इस बस को देखने को तैयार नहीं है। आम जनमानस को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदारों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और निश्चित रूप से जल्द अगर इस बस को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो युवा कांग्रेस पौड़ी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।